हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है संजय मकवाना और आज हम डे थ्री का डेमो देखेंगे कि एट द एंड हमें ऐसा कुछ बनाना है कि यहाँ पे मेरा कोई डैशबोर्ड है, अगर मैं यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे एरर दिखनी चाहिए कि नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लिखना कंपलसरी है। लेट से मैंने नाम में लिखा है शिव संजय, तो नीचे लिख के आना चाहिए फर्स्ट नेम संजय, या फिर मैंने पूरा नाम डाला है संजय मकवाना तो संजय के मकवाना आ जाना चाहिए। और यहाँ पे मैं जैसे अपना डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ जैसे 2000, तो गिन के आना चाहिए कि डियर संजय मकवाना योर एज ऑन टुडे इज इतने साल इतने महीने और इतने डेज। और यहाँ पे जैसे मैं प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो मेरा प्रिंट एरिया सिलेक्ट करके मुझे अपना डिफॉल्ट जो भी मेरा प्रिंटर है वहाँ पे प्रिंट जाना चाहिए। तो ये सब सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक्स फंक्शन सीखने चाहिए। तो लेट्स सी वन बाय वन फंक्शन क्या है, फिर मैक्रो कैसे बनाते हैं और वो एसेंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है हमारा लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन एक्चुअली क्या करता है, जो भी गिवन टेक्स्ट है उसकी लेंथ फाइंड करता है। सपोज कि यहाँ पे मेरा है राम कुमार श्रीवास्तव, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं कहीं एक्स्ट्रा स्पेसेस है, तो वो स्पेस को भी काउंट करेगा और हमें बताएगा कि लेंथ कितनी है। उसका फंक्शन है इक्वल टू एली एन और इंटू ब्रैकेट हमें पास करना है कौन सा सेल है या फिर कौन सी टेक्स्ट है। क्लियर? तो जैसे हम ये लिखेंगे तो एक्चुअली ये जो नाम है वो इतना कैरेक्टर एक्चुअली जो स्पेस है वो इतनी नहीं है, लेकिन इश्यू क्या आ रहा है कि वो स्पेस को भी काउंट कर रहा है। तो वो एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास दूसरा फंक्शन है, उसका नाम है ट्रिम। ट्रिम क्या करेगा कि जो भी एक्सेस स्पेस है वो रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपली लिखा है ट्रिम और फिर मेरा जो भी सेल है वो सेल, फॉर एग्जाम्पल लेट से इट्स A2। जैसे मैं A2 पे क्लिक करता हूँ तो वो एक्स्ट्रा स्पेसिस जो भी है वो रिमूव हो जाएगी। ओके, यहाँ पे मुझे एरर दिख रही है। एरर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैं लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं लेंथ फाइंड कर रहा हूँ, तो वो एक्सेल एज्यूम कर रहा है कि बीच में भी आप लेंथ ही फाइंड कर रहे हो। तो आप वो एरर को इग्नोर कर दीजिए, वो एरर कोई काम की नहीं है। और अभी मैं और एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के बाद उसकी लेंथ चेक करूंगा तो आई कैन सी इट्स 20 जो एक्चुअल आंसर है, और यहाँ पे दिख रहा है 23 वो गलत आंसर है। रीजन कि यहाँ पे मेरी एक्स्ट्रा स्पेस है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो नेक्स्ट फंक्शन हमें सीखना है वो है अपर केस। कभी कभी क्या होता है कि जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो सारे कैरेक्टर्स या जो भी एंट्री है वो अलग अलग केस में टाइप कर रहा है, कभी अपर में किया, कभी लोअर में किया, कभी मिक्स में किया। और हमें क्या चाहिए कि जो जितने भी टेक्स है वो हमारे अपर केस में आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास है फंक्शन अपर। यहाँ पे मैंने अपर फंक्शन यूज किया और मुझे एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं चाहिए, तो साथ में मैंने ट्रिम भी लिखा, इट्स नॉट कंपल्सरी। लेट से मैंने लिख दिया कि अपर और फिर मेरा जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट, तो वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा स्पेस भी आ रही है। अगर वो मुझे एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करनी है तो आई कैन सिंपली कवर विथ ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम फंक्शन से कवर करते ही मेरा वो एक्स्ट्रा स्पेस भी चला जाएगा। तो इस प्रकार आप कोई भी रिटर्न टेक्स्ट है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कि हाउ टू कन्वर्ट इट इन टू लोअर केस। तो हम लोअर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट को, तो उसके लिए फंक्शन है मेरा लोअर और फिर इनटू ब्रैकेट हमें जो भी गिवन स्पेस से जो भी गिवन टेक्स्ट या फिर जो भी गिवन सेल है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कोई भी सेल हो सकता है, इट्स नॉट अ रूल। आपको जो टेक्स्ट को लोअर में कन्वर्ट करना है वो टेक्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए, फिर एंटर। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है अपना लोअर केस। क्लियर? देन नेक्स्ट इज कि हमें प्रॉपर टेक्स्ट में चाहिए, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि कैमल केस में जो फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर है
वो मेरा कैपिटल रहना चाहिए और रिमेनिंग कैरेक्टर है वो स्मॉल में रहने चाहिए, तो उस फंक्शन का नाम है प्रॉपर। ऐसे लिखेंगे कि प्रॉपर है, फिर ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आनी चाहिए, और जो भी हमारा टैक्स है वो टैक्स का सेल एंटर करते ही हमारा प्रॉपर टैक्स में आ गया। तो ये हो गए हमारे और 3 फंक्शन, अपर, लोअर एंड प्रॉपर, राइट। नाउ और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन से, जैसे कि लेफ्ट। वो लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा कि जो भी गिवन टेक्स्ट है उसमें से नंबर ऑफ आप जितने भी कैरेक्टर बोलोगे उतने कैरेक्टर वो निकाल के आपको देगा। लेट से मुझे ये जो नाम है उसमें से पहले 3 कैरेक्टर चाहिए, पहले 5 कैरेक्टर चाहिए, तो हम कैसे लिख सकते हैं कि पहले हमने लिख दिया लेफ्ट, फिर आपकी टेक्स्ट जी जो भी सेल में आपके टेक्स्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है, लेट से A10, और फिर मुझे यहाँ पे चाहिए मैं 5, तो वो क्या करेगा कि इंक्लूडिंग स्पेस वो 5 कैरेक्टर आपको निकाल के देगा। तो मुझे सिर्फ नाम चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, तो मुझे अपना RAM मिल चुका है, ठीक है। सिमिलरली राइट फंक्शन, तो राइट फंक्शन क्या करेगा कि राइट फंक्शन राइट साइड से गिवन टेक्स्ट में से कैरेक्टर निकाल के देगा। सेम सिंटैक्स है, फंक्शन का नाम है राइट, फिर यहाँ पे मुझे सेल चूज करना है या फिर टेक्स्ट चूज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ A10 सेल, और राइट हैंड साइड से मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए। सपोज कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, तो वो राइट हैंड साइड से 5 कैरेक्टर काउंट करेगा, AVATS, ओके। तो ये हो गया हमारा राइट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या कर रहा है, तो लेफ्ट से कैरेक्टर का निकाल के दे रहा है। राइट फंक्शन क्या कर रहा है, राइट हैंड साइड से अब हमको निकाल के दे रहा है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, वो है कि मिड, मतलब ये क्या कर रहा है कि आपको जितने भी कैरेक्टर चाहिए वो स्टार्टिंग नंबर से लेके कितने नंबर चाहिए वो आपको निकाल के देगा। फंक्शन का नाम है मिड, फिर आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करनी है। हमारे एग्जांपल के मुताबिक आई एम चूजिंग A10, फिर स्टार्टिंग नंबर, मेरा स्टार्टिंग नंबर क्या है। सपोज कि मैं दे रहा हूँ स्टार्टिंग नंबर 1 और एंडिंग नंबर 6, तो वो फर्स्ट से लेके 6 तक जितने भी कैरेक्टर्स है वो मुझे निकाल के देगा। तो आप देख सकते हैं राम को आ रहा है, तो ये हो गया हमारा मिड, ओके। नेक्स्ट इज फाइंड, ये एक इम्पोर्टेंट है कि फाइंड फंक्शन क्या कर रहा है कि फाइंड फंक्शन काम करेगा कि हमें कोई भी गिवन टेक्स्ट है उसमें से वो नंबर निकाल के देगा, या फिर वो टेक्स्ट फाइंड करके देगा कि उसका ऑकरेंस कितना है। लेट्स से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फाइंड, और मुझे इस नंबर में फाइंड करना है, तो मैंने टेक्स्ट दे दिया आपको। सॉरी, फर्स्ट सबसे पहले क्या करना है कि कौन सी टेक्स्ट आपको फाइंड करनी है। लेट्स से मुझे फाइंड करना है A, ओके। अब कहाँ पे फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है यहाँ पे, फिर कोमा स्टार्टिंग नंबर, वो ऑप्शनल है। ऑप्शनल है मतलब कि आपको कितने कैरेक्टर के बाद वो टेक्स्ट करना टेक्स्ट फाइंड करने को सर्च कर रहे हो। लेट से मुझे कहीं पे भी पहला A मिल जाए वो रिटर्न करो, तो ये रिटर्न रिटर्न कर रहा है 2। इसका मतलब है कि A जो A है वो मेरे सेकेंड अकरेंस पे है, ठीक है। इस प्रकार हम फाइंड करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मुझे सेकेंड अकरेंस फाइंड करना है, अगर सेकेंड अकरेंस फाइंड करना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो मेरा स्टार्ट नंबर है वो देना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिंपल लॉजिक है कि मुझे क्या फाइंड करना है। लेट से मुझे फाइंड करना है A, कौन सी टेक्स्ट में फाइंड करना है, तो मुझे टेक्स्ट में फाइंड करना है A10 में। फिर मैंने फिर से फाइंड लिखा, ये जो फाइंड का लॉजिक था वो मुझे क्या दे रहा था कि मेरा फर्स्ट अकरेंस, अगर मेरा फर्स्ट अकरेंस 2 है और उसमें मैं 1 प्लस कर रहा हूँ, इसलिए इसका मतलब है कि मुझे सेकंड स्पेस कहाँ पे मिलेगी, आफ्टर सेकंड आफ्टर थर्ड कैरेक्टर। व्हाट आई मीन टू से दैट कि ये जो मेरा नाम है राम कुमार श्रीवास्तव,
मुझे अपना स्पेस सपोज लेट से थर्ड कैरेक्टर पे मिल रहा है तो सेकंड स्पेस ऑब्वियसली चीज है कि थर्ड के बाद मिलेगा, मतलब कि मैं एनी हाउ फर्स्ट स्पेस फाइंड कर रहा हूँ और उसमें प्लस वन कर दूंगा तो वो मेरा हो जाएगा स्टार्टिंग स्पेस वाला लॉजिक। तो मैं मुझे अगर सेकंड स्पेस फाइंड करनी है तो इसका लॉजिक क्या हुआ सेकंड स्पेस का, कि आपको क्या करना है, जो नंबर फाइंड करना है या फिर जो भी टेक्स्ट फाइंड करनी है वो लिख दिया, फिर कौन सा टेक्स्ट कौन सी टेक्स्ट में फाइंड करना है वो लिख दिया, फिर यहाँ पे मैं अपना सेकंड स्पेस वाला लॉजिक लिख रहा हूँ कि सबसे पहले लॉजिक ये क्या था, ये क्या रिटर्न कर रहे हैं हमारा फर्स्ट स्पेस कि फाइंड ए इंटू ए टेन, मतलब कि जो भी सेल है उसमें से ए फाइंड करके निकालो। फर्स्ट मेरा ए आ गया, उसमें मैं प्लस वन कर दूंगा, इसका मतलब है कि वो अभी जो नेक्स्ट ए आएगा वो फाइंड करेगा। आई थिंक गलती से मैंने स्पेस बोल दिया, वो स्पेस नहीं ए फाइंड कर रहे हम। तो फर्स्ट ए के बाद जहां से फर्स्ट ए मिल गया उसके बाद तो हमारा पहला ए आएगा वो फाइंड करके देगा। तो यू कैन सी एट आ रहा है, तो हमारा आठवां कैरेक्टर ए है ये दिखा रहा है। क्लियर, फाइंड कैसे काम करेगा, तो फाइंड में आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है फाइंड, फिर कौन सा टेक्स्ट आपको फाइंड करना है, अगर आपको स्पेस फाइंड करना है तो आप लिखेंगे स्पेस, आपको ए फाइंड करना है तो आप लिखेंगे ए, आपको जेड फाइंड करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू फाइंड आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है। देन सेकेंड थिंग इज कि आपको कहाँ पे चेक करना है, आपको कौन सी टेक्स्ट में या फिर कौन से सेल में सर्च करना है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे वो सेल। और फिर स्टार्टिंग नंबर, आप अगर कुछ नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट ले रहा है, और अगर आपको पता है कि मुझे इतने नंबर के बाद देना है तो इन आवर एग्जांपल हमने क्या किया है कि फर्स्ट जो अकरेंस है वो तो फाइंड करके दे दिया, उसका मतलब है कि ये फर्स्ट अकरेंस का लॉजिक था कि मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि इतने कैरेक्टर के बाद वो कैरेक्टर आ रहा है, सिंपली मैंने उसमें प्लस वन कर दिया तो ये हो गया मेरा स्टार्टिंग नंबर। मतलब कि सपोज कि मेरा ए आ रहा है सेकंड स्पेस पे, आई मीन सेकंड जगह पे, तो उसमें एक प्लस करके आप चेक करो कि फिर से वो ए कहाँ पे आ रहा है। आई होप कि आप सबको फाइंड का लॉजिक समझ में आ गया, या फिर आप इसे सर्च भी बोल सकते हो। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है मेरा सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि जो गिवन व्हाटएवर द कैरेक्टर है आपको उसे रिप्लेस करना है। मुझे क्या रिप्लेस करना है वो मेरे पे डिपेंडेंट है। तो उसकी सिंटेक्स क्या है कि आपको कौन सी टेक्स्ट में आपको जो भी सब्स्टिट्यूट है वो करना है। लेट से मुझे ए टेन में करना है, अब क्या करना है, तो यहाँ पे सपोज कि मैं लिख रहा हूँ आर, और उसको रिप्लेस करना है जेड जेड से। तो सिंपल लॉजिक क्या है सब्स्टिट्यूट का, मेरा टेक्स्ट है फिर पुरानी जो भी टेक्स्ट है और नई टेक्स्ट है, ऐसा करके एंटर करने से आप देख सकते हैं कि जो राम था उसकी जगह पे आ गया जेड जेड ए एम। क्लियर, हमने क्या लिखा कि आर को रिप्लेस करो जेड से। तो इस फंक्शन को हम लॉजिकली कुछ भी यूज करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे और नए फंक्शंस, लेफ्ट राइट मिड और फाइंड। तो इन सब का कॉम्बिनेशन मिला के हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि डेटा एंट्री के टाइम पे अगर किसी ने फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम साथ में दे दिया है और हमें उसको सेपरेट करना है यूजिंग फंक्शन, तो हम ये सारे फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं। वन बाय वन देखते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो लेट से मेरे पास है मेरा नाम संजय मकवाना और हमें इसमें से फर्स्ट नेम निकालना है, मतलब कि हमें संजय निकालना है। तो वो हम कैसे कर पाएंगे, तो वो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले मैं फंक्शन यूज कर रहा हूँ लेफ्ट, फिर कौन सी टेक्स्ट है मेरी, ये टेक्स्ट वो मैंने चूज कर दिया। अब यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा एक्चुअल में कि कितने कैरेक्टर है। अभी एक नाम तो है नहीं हमारे पास डेटा शीट में और सबके नाम अलग अलग होते हैं, तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और फंक्शन को जेनरिक बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं
फर्स्ट स्पेस फाइंड करेंगे, फर्स्ट स्पेस आ रहा है इसका मतलब कि वो वहां तक हमारा फर्स्ट नेम हो रहा है। तो हमें वो फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है फाइंड, तो यहाँ पे कोमा देके मैं लिख रहा हूं फाइंड। हम क्या फाइंड करने वाले हैं, स्पेस, और फिर कहाँ पे स्पेस फाइंड करनी है, सेम टेक्स्ट पे। तो इससे क्या होगा कि जो मेरी पहली स्पेस कहाँ पे आ रही है ये मुझे रिटर्न करेगा इतना, फाइंड स्पेस A20। तो A20 सेल में फर्स्ट स्पेस कहाँ पे आ रही है वो मुझे देगा। उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि एक कैरेक्टर रिमूव कर दूंगा क्योंकि वो स्पेस को भी इंक्लूड कर रहा है, तो ये मैंने रिमूव कर दिया 1। तो इससे क्या होगा कि मेरे कितने कैरेक्टर्स है वो मुझे पता चल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करने से मेरा आ रहा है संजय। अगेन आई रिपीट, हमने क्या किया है, हम फाइंड कर रहे हैं, लेट से यहाँ पे देखे कि लेफ्ट फाइंड करना है हमें कौन सी टेक्स्ट में, तो जो गिवन टेक्स्ट है। अभी कितने कैरेक्टर है वो हमें नहीं पता लेफ्ट हैंड साइड से कितने कैरेक्टर है, तो हम क्या करेंगे कि स्पेस फाइंड करो भैया। स्पेस हमारी आ रही है, लेट से कोई सिंपल नाम यहाँ पे लिख के ट्राई करते हैं तो जल्दी से समझ आएगा। लेट से हमारा नाम है राम राम राम, ओके। तो मुझे राम निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा कि लेफ्ट से शुरू करके जब तक मेरा फर्स्ट स्पेस आ रहा है तब तक काउंट करो। तो मेरी फर्स्ट आ रही है फोर्थ पे, इसका मतलब के मतलब ये हुआ कि मेरा नाम पहले 3 कैरेक्टर है। तो मैंने क्या लिखा कि लेफ्ट, फिर ये मेरी टेक्स्ट हो गई जो मेरा सेल है। अब स्पेस फाइंड करो, वो स्पेस क्या फाइंड फंक्शन क्या रिटर्न करेगा कि फाइंड A19, तो ये रिटर्न करेगा 4 कि फोर्थ जो भी फोर्थ कैरेक्टर है वो आपकी स्पेस है, उसमें से एक कम कर दो मतलब हो गए 3। तो अल्टीमेटली ये फंक्शन का आउटपुट क्या आ रहा है कि लेफ्ट A19 मतलब टेक्स्ट, और यहाँ पे इसका कैलकुलेशन होके आ रहा है 3। अगर आपको कोई भी फंक्शन इन फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन फॉलो दिस रूल, या आपको फॉर्मूला टैब पे जाना है और वहां पे आपको दिखेगा कि इवोल्यूट फॉर्मूला। अब यहाँ पे जैसे भी क्लिक करोगे तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला कैसे काम कर रही है वो समझाएगा। सबसे पहले हो रहा है A19, यहाँ पे इवोल्यूट हो रहा है, तो A19 की जगह पे लिख के आ गया राम राम राम। अब वो क्या कर रहा है कि फाइंड स्पेस इन राम राम A19, A19 क्या है हमारा, अगेन राम राम राम। अभी वो कैलकुलेशन कर रहा है कि फाइंड स्पेस इन राम राम राम। जैसे वो इवोल्यूट करेगा तो हमारा आंसर आ रहा है 4, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो फोर्थ स्पेस है, वो आपकी स्पेस है, उसमें से एक कम कर दो मतलब कि हो गया 3। तो अभी हमारा सिंपल फॉर्मूला हो गया कि राम 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 में से 3 कैरेक्टर निकाल दो, तो ये हो गया राम। आई होप अब सबको क्लियरली समझ आ गया कि राम कैसे निकल रहा है, या फिर बोल सकते कि फर्स्ट नेम कैसे निकल रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम क्या है कि लेट से किसी ने सिर्फ नाम डाला है राम और कुछ डेटा नहीं डाला है, तो हमें यहाँ पे वैल्यू एरर देगा। तो इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करेंगे कि इफ एरर वाले फॉर्मूला यूज करेंगे कि अगर एरर आ रही है तो हमें क्या करना है कि ये तो हमारा लॉजिक हो गया। अगर यहाँ पे एरर है, एरर क्यों आ रही है कि उसको स्पेस नहीं मिल रही है, इन दैट केस जो भी यहाँ पे लिखा है वही का वही आप कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। तो यूजिंग दैट फॉर्मूला ये हमारा वैल्यू एरर सॉल्व हो जाएगा। अगेन रिपीट क्या किया हमने कि हमने सिर्फ सिंपल इफ एरर चेक किया कि अगर एरर आ रही है इसका मतलब है कि वहां पे कोई कैरेक्टर नहीं है या फिर उसको स्पेस नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही तो जो भी लिखा हुआ है वो रिप्लेस कर दो। लेट से किसी ने कुछ भी नहीं डाला है, इन दैट केस क्या होगा, तो इन दैट केस आपको यहाँ पे 0 लिख के आएगा। तो वो 0 निकालने के लिए एक छोटा सा लॉजिक है, आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको जाना है कुछ भी ना, जहां पे जीरो आ रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है, फिर जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, फिर हाईलाइटेड सेल रूल में इक्वल टू पे जाके क्लिक करना है, और ड्रॉप डाउन में से लास्ट ऑप्शन है कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी फॉन्ट टैब है उसमें उसका कलर चेंज करके कर देंगे व्हाइट। सिंपली ओके कर देने से वो जो भी यहाँ पे जीरो आ रहा था वो जीरो रिमूव हो चुका है। तो अब हमारा फर्स्ट नेम का जितने भी प्रॉब्लम थे या फिर जो भी एरर आ रहे थे हमने वो सब एनकाउंटर कर दिए। अब नेक्स्ट थिंग इज कि हमको लास्ट नेम भी फाइंड करना है और मिड नेम भी फाइंड करना है। तो पहले यहाँ पे जो लिखा था वो हम लिख देखते हैं, राम कुमार वास्तव। अब लास्ट नेम का लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको सिंपल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नाम को लिखा है SKM। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जो मैं समझ पाया वो समझाने की कोशिश करूँ। तो राइट का लॉजिक हम वन बाय वन चेक करेंगे कि पहले हम वो देखेंगे, एज्यूम करते हैं कि जो भी बंदा है या ऑपरेटर उसने तीनों नाम डाले हैं, फिर राइट हम कैसे निकालेंगे। तो राइट हम निकालेंगे लास्ट नेम हम कैसे निकालेंगे, तो लास्ट नेम हम राइट फंक्शन से निकालेंगे। लेकिन राइट फंक्शन को पता कैसे चलेगा कि उसको कितने कैरेक्टर निकालने हैं फ्रॉम राइट एंड चाइल्ड। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने लिख दिया राइट फंक्शन, ओके, और कौन सी टेक्स्ट है, तो ये हो गए मेरी टेक्स्ट। अभी नंबर ऑफ कैरेक्टर मुझे नहीं पता है कि राइट एंड चाइल्ड से मैं कितने कैरेक्टर निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे मैं क्या कर सकता हूँ कि आई विल फाइंड सेकेंड स्पेस। जो भी सेकेंड स्पेस है उतने कैरेक्टर टोटल लेंथ में से मैं निकाल लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि आफ्टर सेकेंड स्पेस जो भी बच रहा है वो मेरा लास्ट नेम है। व्हाट आई मीन टू से दैट कि आप एग्जांपल से समझेंगे कि सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, लेंथ ऑफ A20। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ A20 क्या है, तो तीन कैरेक्टर और दो स्पेस वो मिला के हो गए पांच। तो ये इसका एवोल्यूशन हो गया पांच। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सेकंड स्पेस फाइंड कर रहे हैं। सेकंड स्पेस में ये मेरा सेकंड स्पेस का लॉजिक हो गया। आई थिंक इसको आप फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये क्या कर रहा है कि पहले A20 में स्पेस फाइंड कर रहा है और फिर जो भी अकरेंस है उसके बाद के नंबर से वो स्टार्ट कर रहा है। तो ये फर्स्ट स्पेस का लॉजिक हो गया। फर्स्ट स्पेस में आप वन एड करोगे तो उस नंबर से वो चालू करेगा, यहाँ पे चेक करेगा, क्या चेक करेगा, फाइंड सॉरी स्पेस। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्पेस का लॉजिक। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि टोटल लेंथ है उसमें से सेकंड स्पेस रिमूव, सेकंड स्पेस की जो भी पोजीशन है वो मैं माइनस कर रहा हूँ। तो मेरी सेकंड स्पेस कहाँ पे है, तो सेकंड स्पेस है मेरी फोर्थ पे। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड स्पेस के बाद जितने भी कैरेक्टर बचे वो मेरे राइट एंड साइड के है। तो यहाँ पे हुआ फाइव, यहाँ पे हुआ मेरा फोर, तो फाइव माइनस फोर वन। इसका मतलब कि मेरे लास्ट नेम है उसमें एक कैरेक्टर है वो निकाल के दो। इवोल्यूट फंक्शन करके देखेंगे तो शायद आपको जल्दी से समझ आएगा कि यहाँ पे है A20, तो यहाँ पे लिख गया SKM। लेंथ आपको फाइंड करनी है किसकी, SKM की। देन यहाँ पे लेंथ आ गई 5 जैसे एक्सप्लेन किया था, फिर से A20 को रिप्लेस करेंगे और A20 देखे तो A20 क्या है मेरा SKM। वो क्या कर रहा है, तो कि स्पेस फाइंड कर रहा है, उसको फाइंड पहली स्पेस मिल गई सेकंड पे। अब यहाँ पे मैंने जो लॉजिक लिखा था 2+1, अब यहाँ पे आ गया 3, वो फिर से स्पेस फाइंड कर रहा है सेम टेक्स्ट में लेकिन आफ्टर स्टार्टिंग नंबर 3। तो ये मुझे मिल गई अपनी सेकंड स्पेस जो कि फोर्थ पोजीशन पे। तो मेरे राइट हैंड साइड में राइट से निकालो 5 से लेके 4 कैरेक्टर निकालो, सॉरी 5 5-4 तो वो आ रहा है 1, तो राइट से एक कैरेक्टर निकाल दो, ठीक है। तो मुझे ऐसे मिल रहा है मेरा SKM। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा है संजय के मकवाना, तो भी वो काम कर रहा है। लेकिन ये लॉजिक
एक जगह पे गलत हो जाएगा, कहाँ पे, कि इन केस मैंने यहाँ पे सिर्फ संजय मकवाना लिखा है तो यहाँ पे वो मुझे देगा वैल्यू एरर। तो ये वैल्यू एरर हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। बट अगर आपको इस लॉजिक में कुछ भी दिक्कत है तो वीडियो पॉज करके थोड़ा रिवाइंड कर दीजिए, आई थिंक आपको एक दो बार देखने से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू एरर क्यों मिल रही है, क्योंकि उसको सेकंड स्पेस नहीं मिल रहा है। तो सेकंड स्पेस रिमूव करने के लिए या फिर कोई वैल्यू, कोई भी एरर है उसको रिमूव करने के लिए हमें, हमारे पास फंक्शन था इफ एरर। तो हमने सिंपली क्या लिखा कि इफ एरर, उस ये हमारा लॉजिक था वो सेम टू सेम है। अगर एरर आ रही है तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा सेकंड स्पेस फाइंड करने का लॉजिक था वो निकाल के सिर्फ फर्स्ट स्पेस तक का लॉजिक लिखूंगा। दैट मींस कि ये मेरा है सेकंड स्पेस का लॉजिक, तो ये यहां तक मुझे नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है यहां तक, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इफ एरर, अगर एरर आ रही है, अगर एरर नहीं है तो ये मेरा लॉजिक है सेकंड स्पेस वाला। अगर एरर आ रही है दैट मींस कि यू आर नॉट एबल टू गेट सेकंड स्पेस, इन दैट केस ओनली फाइंड फर्स्ट स्पेस। तो मैंने क्या लिखा कि राइट, फिर मेरा जो भी कैरेक्टर है वो कैरेक्टर, फिर लेंथ फाइंड की और उसमें से फर्स्ट कैरेक्टर फर्स्ट स्पेस तक का पार्ट रिमूव कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नाम है उसमें से फर्स्ट कैरेक्टर आप निकाल दो तो ये हो गया मेरा, जो भी बाकी बचा हुआ है वो मेरा लास्ट नेम। आई होप आपको ये समझ आ गया, कुछ नहीं किया है, जो भी फंक्शन था, जो भी फॉर्मूला था उसके आगे सिर्फ एक और एक फंक्शन ऐड कर दिया इफ एरर, अगर एरर आ रही है तो आप क्या करोगे कि तो जो सेकंड स्पेस वाला है वो लॉजिक नहीं लिखते, अगर सेकंड स्पेस है तो फर्स्ट वाला लॉजिक। तो ये ओवरऑल फॉर्मूला हो गई हमारी कि इफ एरर, फिर ये पूरा जो नीचे हमने लॉजिक लिखा था वो, अगर वो नहीं चल रहा है उसका मतलब कि वहां पे सिर्फ दो ही कैरेक्टर है, आई मीन टू से सिर्फ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है, मिड नेम या कुछ और थर्ड सेकंड स्पेस उसको नहीं मिल रही है, तो आप सेकंड स्पेस वाला लॉजिक निकाल के सिर्फ फर्स्ट स्पेस वाला लॉजिक कॉपी पेस्ट कर रहे हो। जैसे ही हम इसको रिप्लेस करेंगे अपने फॉर्मूला से तो यू कैन सी क्या हमारा आ रहा है। अभी भी एक एरर आ रही है, वो एरर क्या है कि इन अगर किसी ने सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है, आई मीन टू से अगर किसी ने लास्ट नेम और मिडिल नेम नहीं लिखा है तो हमें वैल्यू एरर मिलेगी। अगेन व्हाट वी आर डूइंग, फिर से इसको रिप्लेस कर देंगे और एक इफ एरर के साथ में। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ एरर और उसको रिप्लेस कर देंगे कि अगर उसको नहीं मिल रहा है तो रिप्लेसिंग विथ स्पेस। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो इसको ड्रैग कर देते हैं तो हमें मिल चुका है अपना लास्ट नेम। तो ये हो गया हमारा लॉजिक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का। अभी हमें चेक करना है कि मिडिल नेम हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इनकेस किसी ने सिर्फ राम डाला है तो हम क्या कर रहे हैं कि इफ एरर और उसको लेफ्ट के साथ रिप्लेस कर देंगे और यहाँ पे जो भी लिखा है इससे रिप्लेस हो जाएगा। तो यह हो चुका है हमारा लॉजिक फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब हमें क्या फाइंड करना है, मिडिल नेम। तो हम मिडिल नेम कैसे फाइंड करेंगे, तो मिडिल नेम फाइंड करने का लॉजिक क्या है कि मिडिल नेम एक्चुअली क्या होता है कि जो भी हमारा नाम है, लेट से सौरव एबीसी वर्धमान है, तो मिडिल नेम फर्स्ट स्पेस और सेकंड स्पेस के बीच का जो भी टेक्स्ट है वो हमारी हो गई मिडिल नेम। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं मिड, फिर टेक्स्ट, कौन सी टेक्स्ट है आपकी, तो ये है टेक्स्ट। फिर हमें क्या लिखना है कि स्टार्टिंग नंबर कौन सा है। तो भैया हमें तो पता नहीं कि फर्स्ट स्पेस कहाँ पे आ रही है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि फाइंड करो फर्स्ट स्पेस का, ये है हमारा फर्स्ट स्पेस का लॉजिक कि फाइंड स्पेस इन गिवन टेक्स्ट। लेट्स से वो एज पर आवर एग्जांपल आ रहा है 5, उसमें एक ऐड कर दो। एक क्यों ऐड कर रहे हैं कि वो स्पेस को भी गिन लेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ मिड नेम।
मतलब कि ये हमारा इंडिकेशन हो गया कि यहाँ से हमारा ए चालू हो रहा है। अगेन आई रिपीट, हमने क्या किया, सिर्फ पहली स्पेस फाइंड कर दी। अभी मेरा फर्स्ट नेम खत्म का मिड मिड को क्या चाहिए, कितने कैरेक्टर आपको चाहिए, कि यहाँ से तो चालू तो मैंने बोल दिया कि भाई ये आपको तीसरे कैरेक्टर से चालू करना है या पांचवे कैरेक्टर से चालू करना है, लेकिन भाई कितने कैरेक्टर चाहिए वो भी हमें एग्जैक्टली नहीं पता। तो हम क्या कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितने कैरेक्टर है, क्योंकि तो जो फर्स्ट स्पेस है और सेकंड स्पेस है उन दोनों के बीच वाला है वो मेरा मिडिल नेम है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले सेकंड स्पेस वाला लॉजिक लिखूंगा। सेकंड स्पेस सपोज के आ रहा है आठवीं स्पेस पे और फर्स्ट स्पेस आ रहा है मेरा चौथी स्पेस पे, तो आठवीं में से चार निकाल दूंगा तो वो मुझे मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो सेम लॉजिक मैंने यहाँ पे लिखा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर वाले पार्ट में, मतलब यहाँ से मेरा कोमा हो रहा है, तो उसके बाद मैंने पहले क्या लिखा, ये है मेरा सेकंड स्पेस का लॉजिक। सेकंड स्पेस का लॉजिक आई थिंक आप सबको समझ में आ गया, तो उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इससे मुझे क्या मिल रहा है, सेकंड स्पेस माइनस मेरा फर्स्ट स्पेस। तो इससे क्या होगा कि सेकंड स्पेस जहाँ पे है वो और फर्स्ट स्पेस है वो दोनों मुझे माइनस होके मिलेंगे, और एट द एंड मुझे टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स है वो पता चल जाएंगे। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो लेट से यूजिंग फॉर्मूला, हम फॉर्मूला इवोल्यूशन से जल्दी समझ में आ जाएगा। ये 18 है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सौरव एबीसी आया, फिर यहाँ पे इवोल्यूट कर रहा है, वो फर्स्ट स्पेस फाइंड कर रहा है ताकि पता चले कि उसको कहाँ से शुरू करना है। तो लेट से उसको मिल गया है 7, मतलब कि सौरव में पहला जो है फर्स्ट स्पेस आ रही है तो वो है 7। ये उस पर मैंने +A1 कर दिया, मतलब कि मेरा मिड नेम है वो चालू हो रहा है 8 कैरेक्टर से। अब मुझे क्या करना है, सेकंड स्पेस फाइंड करनी है, तो वो सेकंड स्पेस का लॉजिक यहाँ पे काम कर रहा है, ये है A18, मतलब जो भी स्ट्रिंग है उसमें से फिर से फाइंड करो और उसमें +1 कर दो। अभी ये फर्स्ट स्पेस फाइंड कर रहा है, स्पेस फाइंड के करके आया 7, 7 +1 ये हो गया 8 हमारा। अभी 8 कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा फाइंड फंक्शन, ये हमारा सेकंड स्पेस वाला लॉजिक था जो काम कर रहा है कि सेकंड स्पेस फाइंड करो वर्तमान में से, तो वो सेकंड स्पेस आ रहा है 11th पोजीशन पे। और ये सिंपल फर्स्ट स्पेस का लॉजिक है कि A18 में फाइंड करो स्पेस, तो वो आ रहा है 7th पोजीशन पे, मतलब कि 11 में से 7 रिमूव कर दो तो हो गया 4। तो एट द एंड हमारे पास ये फॉर्मूला बन चुका है कि मिड फाइंड करो गिवन सेल में, स्टार्ट करो 8 से और 4 कैरेक्टर ले लो, तो मुझे मिल गया मेरा मिड नेम। अब इसमें दिक्कत एक ये आएगी कि इनकेस किसी ने सिर्फ 2 ही कैरेक्टर डाले हैं तो क्या होगा, तो आपको वैल्यू एरर मिलेगी, आपको वैल्यू एरर मिलेगी रीजन कि उसको सेकंड स्पेस नहीं मिल रही। तो हम वैल्यू एरर कैसे रिमूव कर सकते, सिंपल हम यहाँ पे लिख देंगे कि इफ एरर तो कोमा करके ब्लैंक, अगर एरर है तो ब्लैंक छोड़ दो। तो लेट्स ड्रैग वो लॉजिक, तो हमारा जो एरर है वो रिमूव हो चुका है। इन केस आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिड नेम में कुछ भी दिक्कत आई है तो आपके एक्सेल शीट में एवोल्यूट फॉर्मूला करके चेक करो, या फिर जो भी लॉजिक लिखा है वो उसको एवोल्यूट फॉर्मूला से समझने की ट्राई करो, तो आपको आई थिंक समझ में आ जाएगा। आई होप अब तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट फंक्शन, वो है कॉन्केटिनेट या फिर बोल सकते हैं कॉन्केट। वो एक्चुअली क्या करता है कि सारी जो स्ट्रिंग्स है उसको मिला मिला के एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो ये हमारा फंक्शन कॉन्केट, आप पहले हम रिमूव कर देते हैं ट्रिम को, तो ये हो गया हमारा कॉन्केट फंक्शन। हमें क्या कॉन्केट करना है, तो फर्स्ट जो भी हमारा नाम जहाँ पे है वो फर्स्ट नेम, फिर हमें स्पेस चाहिए तो कोमा करके सेकंड स्ट्रिंग हमने दे दी स्पेस, आप कुछ भी लिख सकते हो आपको डिजायर जो भी आउटपुट है। देन यहाँ पे हो गया हमारा लास्ट नेम, फिर स्पेस चाहिए, फिर वो व्हाट एवर द आई मीन टू से फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम,
अकॉर्डिंग टू स्टाइल मैंने चूज कर दिए, तो ये मुझे मिल गया राम कुमार श्रीवास्तवा। अभी इनकेस एक्स्ट्रा स्पेस आ गई है उसको रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख रहा हूं ट्रिम और फिर एट द एंड कंप्लीट कर रहा। तो ये हमारा फाइनली हो चुका है फुल नेम। आई होप सबको क्लियर है। दूसरा ऑप्शन क्या है कॉन्केट करने के लिए, जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि आप एंड का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हमें ये जो नाम है वो सिंगल रो में चाहिए लेकिन ऐसे, तो आप मैन्युअली कैसे कर सकते हो कि आप अल्टर प्लस एंटर दोगे तो वो लाइन ब्रेक कर देगा, मतलब सेल सेम का सेम ही रहेगा लेकिन नए मतलब नई लाइन में आएगा। तो आपको यूजिंग फॉर्मूला अगर ये लिखना है तो उसके लिए आपको एक ASCII कैरेक्टर की जरूरत पड़ेगी। यू कैन गूगल इट कि ASCII बहुत सारे कैरेक्टर्स है, उसमें से एंटर की एंटर की का ASCII कोड है 10। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो हो गया हमारा फर्स्ट नेम, यहाँ से हमारा फर्स्ट नेम आ रहा है एंड CHAR फंक्शन है जो ASCII के बेस पे काम करेगा और मैं दे रहा हूँ 10, इसका मतलब कि वो लाइन ब्रेक कर देगा, फिर से एंड और फिर मेरा सेकेंड नेम और 10। तो कैरेक्टर 10 का मतलब क्या है, कैरेक्टर 10 कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ वो एक एंटर ऐड कर रहा है। लेट से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ CHAR 65, तो वो कैपिटल ए का ASCII कोड है। इसी प्रकार एंटर का ASCII कोड था 10, तो कुछ एक्स्ट्रा रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ वो एंटर का ASCII कोड प्रिंट किया हुआ है ताकि वो लाइन नेक्स्ट में आए। इनकेस आपको आपको वो नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑन होना चाहिए। अगर ये रैप टेक्स्ट ऑन नहीं है तो आपको ऐसा ही दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके वो ऑन कर देना है। तो इन सब लॉजिक का मिला के आपका वो एक्सेल शीट मतलब स्प्रेडशीट तो बन जाएगा, लेकिन अब हमें सीखना है मैक्रो कि हम छोटे छोटे बातों को ऑटोमेटेड कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स लर्न मैक्रो। तो पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या बनाना चाहते हैं, कि जैसे भी यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे तो सारे जो भी डेटा है वो रिमूव हो जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करने से वो डेटा प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो हम वन बाय वन अपने हिसाब से बनाएंगे कि सबसे पहले आपको लेना है एक बटन। तो हम बटन कैसे लेंगे, आपको मैन्युअली बटन बनाना है, आप कुछ भी शेप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंसर्ट मेनू में फर्स्ट ऑप्शन है शेप्स, वहां पे क्लिक करके आपका जो भी फेवरेट स्पेस है वो ले लो। लेट से मैंने ये स्पेस लिया, अब ये मैंने स्पेस बना दिया, आपको उसका जो भी स्टाइल देना है आप अपने हिसाब से दे सकते हो। फिर राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट, तो आप यहाँ पे जो भी लिखना है वो लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेट से मैंने लिखा है डेमो। ओके, तो ये हो गया हमारा कि आपको शेप कैसे बनाना है। देन नेक्स्ट थिंग इज कि आपको यहाँ पे कुछ मैक्रोज ऐड करने हैं। तो मैक्रो आप कैसे बनाओगे, ये लॉजिक तो आपको समझ में आ गया कि कहां से लिखा है, तो ऊपर का सेम टू सेम लॉजिक है, वही कॉपी पेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पे लेट से मेरा कोई डेट ऑफ बर्थ है और मुझे इसको प्रिंट करवाना है। तो फर्स्ट वाला मैक्रो बनाते हैं, उसका नाम हमने दिया है क्लियर, तो वो क्या करेगा कि जो भी रिटर्न वैल्यू है उसको क्लियर कर देगा। तो क्लियर कैसे हो रहा है वो आपके लॉजिक पर डिपेंडेंट है। मेरा लॉजिक यहाँ पे ये लिखा है कि मैं इसको रिमूव करता हूँ तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम ऑटोमेटिकली चले जा रहे हैं। तो मैं क्लियर पे क्लिक करने के बाद क्या करूँगा कि ये सेल डिलीट करूँगा और ये सेल डिलीट कर दूंगा, या फिर आपका आपका जो भी लॉजिक है वो आप पे डिपेंडेंट है आपको क्या बनवाना है मैक्रो से। तो मैक्रो कैसे इंसर्ट करेंगे, तो आपको जाना है व्यू मेनू में। व्यू मेनू में जाके सबसे पहले तो आपको जहां से चालू करने वो सेल सिलेक्ट कर दीजिए,
मैक्रो पे क्लिक करके रिकॉर्ड मैक्रोस, आपको मैक्रो का जो भी नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो। लेट से मुझे डेमो नाम देना है तो मैं नाम दे दिया डेमो। अब यहाँ पे मैं क्लिक करके ओके दे दूंगा तो ये मेरा मैक्रो चालू हो जाएगा। अब मैं जहां पे भी क्लिक करूंगा, जो भी टाइप करूंगा, वो सारी प्रोसेसेस बैकएंड में मेरी रिकॉर्ड हो रही है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि जो मेरे सारे टेक्स्ट है वो रिमूव हो जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया हुआ है, मैं प्रेस करूंगा डिलीट, तो वो डिलीट हो गया। अभी मेरी शीट में ये ऑटोमेटिकली जा रहा है तो मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं है। आपके मैक्रो में अगर आपको ये करना है कि सारा जो डेटा है वो डिलीट करना है तो आप सारे डेटा को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। मुझे डेट ऑफ बर्थ भी निकालनी है तो उसको भी क्लिक करके मैंने कर दिया डिलीट। ओके, अब मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे बटन है कि आपको उसको स्टॉप पे क्लिक करना है। जैसे हम स्टॉप पे क्लिक करेंगे तो वो रिकॉर्ड हो चुका है हमारा मैक्रो। अगेन आई रिपीट, मुझे मैक्रो से जो क्या काम करवाना था, मुझे मैक्रो से काम करवाना था कि मेरे जो नेम में लिखा है वो और डेट ऑफ बर्थ में लिखा है वो डिलीट कर दो। तो रिकॉर्ड पे मैंने स्टार्ट किया, फिर मेरी जो भी एक्टिविटी थी मैंने वो वन टाइम परफॉर्म की और रिकॉर्ड स्टॉप कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्यू मैक्रो, उसमें डेमो करके कुछ आ चुका है। आप एक बार यहाँ से मैन्युअली भी रन करके देख लो। लेट से मेरे यहाँ पे कुछ वैल्यू है और यहाँ पे भी कुछ वैल्यू है, ठीक है। अभी हम जाएंगे व्यू मैक्रो में और डेमो पे क्लिक करके रन देंगे तो हमारा मैक्रो काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि हमने कुछ गलत किया हुआ है। लेट्स रन वंस अगेन। यहाँ पे हम जाएंगे मैक्रो में, रिकॉर्ड मैक्रो, डेमो टू। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो मेरी टेक्स्ट है उसको मुझे सिलेक्ट करना है, फिर डिलीट, यहाँ पे भी सिलेक्ट करना है, ये भी डिलीट, और फिर से मैं आ गया फर्स्ट पे स्टॉप रिकॉर्डिंग। आई होप अब हमारा मैक्रो काम कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ डेटा है, यहाँ पे भी कुछ डेटा है। अब हम उसको चेक करेंगे कि वो हमारा काम कर रहा है कि नहीं। तो यू कैन सी हमारा मैक्रो काम कर रहा है। अभी हमें क्या करना है कि वो मैक्रो को इससे असाइन करना है। तो हम सिंपली राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है असाइन मैक्रो। हमारा अभी वाला जो मैक्रो था उसका नाम दिया है मैंने डेमो टू, तो मैं डेमो टू पे क्लिक करके ओके दे देते हैं। लेट से अभी हमारा मैक्रो उस बटन को क्लिक करके काम करेगा। यहाँ पे कुछ डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी दे दिया है। जैसे ही हम डेमो पे क्लिक करेंगे तो अपना मैक्रो काम कर रहा है। आई होप सबको पता चल गया है। अभी ये प्रिंट वाला लॉजिक क्या है वो भी देख लेते हैं। तो इस यहाँ पे हम दूसरा बटन बना देते हैं। इंसर्ट में जाके शेप, कोई भी शेप ले लो। लेट से मेरा ये शेप हो गया, इसको मुझे कुछ स्टाइल देनी है तो अपने हिसाब से मैंने स्टाइल दे दिया। और फिर कुछ टेक्स्ट लिखना है, मैंने वो कुछ भी टेक्स्ट भी लिख दिया, ठीक है। तो ये तो मेरा बटन है, लेकिन अभी इस पर क्लिक करने से वो कुछ नहीं हो रहा, वो सिंपल शेप ही है। हमें मैक्रो बनाना पड़ेगा। मैक्रो बनाने के लिए हमें क्या बनाना है, प्रिंट। तो जनरली क्या होता है कि हम जैसे ही प्रिंट देंगे तो वो एंटायर शीट चेक करेगा। यहाँ पे आप पेज लेआउट में जाके देखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये हमारा ऐसा है। तो मुझे पूरी एंटायर शीट अगर प्रिंट करनी है तो आप सिंपल मैक्रो रिकॉर्ड कर दोगे। पर जनरली क्या होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो या फिर कोई भी फॉर्म हो तो वो सिलेक्टेड एरिया को ही प्रिंट करना चाहता है। लेट से मुझे इतना ही प्रिंट करना है। अगेन आई सेड, ये मेरे पे डिपेंडेंट है कि मुझे क्या करना है मैक्रो के साथ। पर मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरा इतना एरिया ही वो प्रिंट करे, बाकी का एरिया कुछ प्रिंट ना करे। तो उसके लिए हम मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करेंगे,
तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी डेटा था, सबसे पहले हम डेटा लिख देते हैं तो पता चले कि क्या काम हो रहा है। और यहाँ पे हमने लिख दिया कुछ भी डेट। ओके, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे मैक्रो पे जाने के लिए मुझे जाना है व्यू मैक्रो और रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेमो 3 कुछ। ओके, यहाँ पे मुझे अंडर अलाउड नहीं है, डेमो 3। अब सब फर्स्ट काम क्या है मेरा, अभी रिकॉर्डिंग चालू हो गया है तो मुझे अपना प्रिंट एरिया चूज करना है कि कौन से एरिया को मुझे प्रिंट करना है। लेट से मुझे इतना ही प्रिंट करना है तो मैंने अपना प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर दिया। ओके, ये मेरा फर्स्ट स्टेप रिकॉर्ड हो चुका है। फिर मुझे उसको पेज लेआउट में से उसका प्रिंट एरिया सेट करना पड़ेगा। इतना सिलेक्ट करने से वो सिर्फ सिलेक्ट हो रहा है, प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे प्रिंट एरिया है और सेट प्रिंट एरिया, उसका मतलब है कि ये जो सिलेक्टेड पार्ट है उतना ही प्रिंटिंग में जाएगा। अभी मुझे कंफर्म करना है कि मेरे जो पेज है उसकी विड्थ एक ही पेज हो, ये आप पर डिपेंडेंट के आपको क्या करना है। फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जनरली क्या है कि ये जो मेरी विड्थ है वो एक पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे 1। हाइट कितनी भी हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको हाइट का भी एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो। फिलहाल मैं हाइट ऑटोमेटिक लिख रहा हूँ। फिर ओरिएंटेशन है वो मेरा क्या रखना है, मुझे पोर्ट्रेट रखना है या फिर लैंडस्केप। मेरा जो सेल है या फिर मेरे जो डेटा है वो लैंडस्केप में अच्छे से बैठ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लैंडस्केप। आपको पोर्ट्रेट रखना है तो आप पोर्ट्रेट रख सकते हो, उसका कोई रूल नहीं है, ये आप पर डिपेंडेंट है। ओके, इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है। तो प्रिंट के लिए आप फाइल में जाके प्रिंट देख सकते हो या फिर प्रिंट का शॉर्टकट है Ctrl P। जैसे ही प्रिंट आएगा तो आपको प्रिंट प्रीव्यू दिख रहा है। अभी मुझे नेक्स्ट थिंग क्या करना है कि अपना जो डिफॉल्ट प्रिंटर है उसको चूज करना है। अगर मैं यहाँ पे मेरा डिफॉल्ट प्रिंटर है, लेट से डिफॉल्ट प्रिंटर को चूज कर देते फिलहाल PDF में, और प्रिंट बटन पे क्लिक कर देंगे तो मेरा प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। जनरली अगर आपके पास प्रिंटर होगा तो वो प्रिंटिंग दे देगा, फिलहाल मेरे पास प्रिंटर नहीं है तो लेट से कुछ भी रेंडम नाम दे के हम सेव कर देंगे। तो ये हमारा डेटा प्रिंटिंग होके डेटा सेव हो गया है। अभी हमें हमारा मैक्रो चालू है, मैक्रो को हम स्टॉप कर देते हैं, व्यू में जाके मैक्रो स्टॉप। तो हमने जितनी भी एक्टिविटी की वो सारी रिकॉर्ड हो चुकी है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे वो मैक्रो असाइन कर देना है, असाइन मैक्रो डेमो 3। ओके, तो नाउ हमारा मैक्रो ऑटोमेटिकली वो काम कर रहा है जो हमने सेट किया हुआ है। आई होप आप सबको अब समझ में आ गया है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं अगले दिन का भी वीडियो बना पाऊँ। मैं खुद का असाइनमेंट सॉल्व करने के बाद खुद से रिकॉर्ड वीडियो शूट कर रहा हूँ। अगर काम पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, और इन फ्यूचर जितने भी डेज के रिकॉर्डिंग्स है वो आपको टाइम पे मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी आप प्रेस कर सकते हो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, आपको वेट नहीं करना पड़े कि मैं लिंक भेजू। आई होप यू ऑल आर सेफ, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।